हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज नारी दिवस के अवसर पर आपको मैं बता दूं, सबसे पहले तो सभी स्त्रियों को, बहनों को, माताओं को, बेटियों को, भाभियों को, सभी को ढेर सारी नारी दिवस की शुभकामनाएं। और सभी भाइयों से ये अनुरोध है कि नारी को वो स्थान दें। देखिए, हमारे जो शास्त्र है उसमें भी माँ दुर्गा को, माँ पार्वती को, माँ लक्ष्मी को देवी का स्थान दिया गया है। इसी प्रकार अगर आप भी अपने जीवन में, अपने अपने जीवन की स्त्रियों को मान सम्मान दें, उनको चोट ना पहुंचाएं, आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वही देवी पूजा होती है। फिर भी दोस्तों, नवरात्र में हम माता रानी को मनाते हैं, अपने घर लेके आते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी नवरात्र में विश्वास करते हैं तो बिल्कुल तैयारियां कर लें। एक हफ्ता रह गया, 18 मार्च से 25 मार्च तक इस बार नवरात्र रहने वाले हैं। चार नवरात्र आते हैं साल में, दो गुप्त और एक शरद नवरात्र और ये चैत्र नवरात्र। जब गर्मियों में आता है दोस्तों, ये समय होता है बहुत ही दिल से, सच्चे दिल से माता रानी से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का समय। लोग कहते हैं कि माँ अम्बे पर जो मन से विश्वास करता है, माता रानी उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करती है और जीवन में कभी भी उसे कष्ट छूने नहीं पाता। दोस्तों, ग्रह दोष होते हैं, बहुत तरह की मुसीबतें के जीवन है आते हैं, पर माता रानी या तो उनसे लड़ने की शक्तियां देती है या उनको हमारे घर पे, हमारे जीवन में प्रवेश ही नहीं करने देती। अगर आपको जीवन में बार बार विपदाएं आ रही है, अगर आपके जीवन में कष्ट जाने का नाम नहीं ले रहा है, परेशान हो चुके हैं बहुत सारी परेशानियों से, कोई स्त्रियां अपने पति के दुर्व्यवहार से परेशान है, कोई लोग काम धंधे से परेशान है, कोई लोग अपने घर वालों की डांट से परेशान है, कोई सास बहू के झगड़े से परेशान है, दोस्तों आपको नवरात्र ज़रूर करने चाहिए। हमारा देश विभिन्न धर्मों का देश है, लेकिन अगर आप दोस्तों इस आदि शक्ति की आराधना करते हैं, अभी तक हमने शिव की आराधना की थी, शिव आदि शक्ति के बिना अधूरे हैं। शिव और शक्ति का जब ये मिलन हो जाएगा तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आने वाली है। दोस्तों, नवरात्र मनाना है सच्चे दिल से, जरूरी नहीं है कि आप पूरी स्थापना करें। वैसे तो नियम मैंने बताए दूसरे वीडियोस में, अगर आपके पास समय है तो आप पूर्ण स्थापना करें, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे पूछ रहे हैं कि मैम एग्जाम्स हैं तो हम स्थापना कैसे करें, जो ऑफिस गोइंग है उनके पास इतना समय नहीं है। दोस्तों, कुछ नहीं करना, माँ के सामने सच्चे दिल से रोज एक दीप जलाएं और ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इसका जप करें, या सिंपली ओम दुर्गाय नमः जितनी बार आपकी इच्छा हो, पर माँ से कनेक्ट करें। दोस्तों, इस नवरात्र सच्चे दिल से माता रानी को कनेक्ट करना है और माता रानी को अपनी मां समझ करके, उनके नतमस्तक होकर के अपनी सारी कठिनाइयां उनको दे देनी है। दोस्तों, अगर जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही है तो आसानी से धार्मिक से उपाय के अनुसार आप इनको हल कर सकते हैं। जैसे अगर दुकान में मुनाफा नहीं हो रहा है तो आप माता रानी का इस प्रकार करें, पूजा के स्थान पर स्नान आदि से निवृत्त होकर के एक पाटे पर लाल रेशमी कपड़ा बिछा लें, इस पर 11 गोमती चक्र लिख लें। दोस्तों, जिसको गोमती चक्र अगर आपको नहीं मिलते हैं, ऐसे तो कोई भी पूजा शॉप में मिल जाती है गोमती चक्र, पर अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझे प्लीज़ वीडियो के नीचे लिखें, मैं आपको कॉन्टैक्ट पर्सन दे दूंगी, आप उनसे ले सकते हैं। आप 11 गोमती चक्र ले लें और 3 लघु नारियल ले लें और सभी चीज़ों को सही रूप से रखने के बाद रुद्राक्ष या स्फटिक की माला से आप एक मंत्र का जप करें, एंग क्लिंग श्रिंग माता का बीज मंत्र है। दोस्तों, आपके पास कुछ भी नहीं हो तो आप 11 कौड़ियाँ रख लें और उस पर इस मंत्र का जप करके लाल कपड़े में बांध करके अपने लॉकर पे स्थापित कर लें। दोस्तों, आपके व्यवसाय में, आपकी चाहे कोई पान की दुकान है या ज्वेलरी की दुकान है, उससे मुझे मतलब नहीं है, हर दुकान में, हर संस्थान में, आपकी चाहे कोचिंग सेंटर हो या फिर कोई प्लांट हो, आप यहाँ रख लेते हैं, अपने गले में इसको रख लेते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे धीरे धीरे गला आपका बढ़ने लगेगा। दोस्तों, कोई भी चीज़ जब मैं लॉकर में या कहीं पे भी रखने को कहती हूँ, मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि मैम एक महीने तक ठीक चला, उसके बाद ठीक नहीं चल रहा है, काम वापस डाउन हो गया। इसका मतलब है कि आपके यहाँ नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हर एक महीने में उसको अभिमंत्रित किया करें, उसका जो लाल वस्त्र है उसको आप पूर्णिमा की पूर्णिमा लक्ष्मी या विष्णु पूजन करके बदला करें। अगर आपने सियार सिंगी आदि जैसी चीज़ें रखी हुई है तो उसमें हर पूर्णिमा की पूर्णिमा सिंदूर या फिर पुष्य नक्षत्र में भी आप ये काम कर सकते हैं, वो किया करें। दोस्तों, राशि के अनुसार भी आप उपाय कर सकते हैं। मैं अक्सर बताती हूँ कि राशि अनुसार अगर आप उपाय करते हैं तो माना जाता है कि इंसान की किस्मत खुल सकती है। अगर आपके पास समय है, आपके पास सुविधाएं हैं, तो आप अलग अलग अपनी राशि के हिसाब से भी काम कर सकते हैं।
दोस्तों, सब पांच राशि वालों की इस बार माना जा रहा है किस्मत खुलने वाली है। कौन कौन सी वो पांच राशियां हैं? मेष राशि वाले, कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले, कन्या राशि वाले और कुंभ राशि वाले। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि के लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है और इस नवरात्र माता रानी की आप पर विशेष कृपा बनी रहने वाली है। आपके अपने पुरानी प्रेमी आदि से मुलाकात होने के या पुराने लोगों से मुलाकात होने की योग बन रहे, लेकिन ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। आपकी वजह से आपके परिवार में खुशियां आने के योग भी बन रहे हैं। कहीं से आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी, माइट बी इनहेरिटेंस हो सकता है, कहीं से आपको लॉटरी लग सकती है, कहीं से भी आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये नहीं करना है कि आप जाकर के एक लॉटरी का टिकट खरीद के ले आए और बोले कि मैम मेरी लॉटरी नहीं लगी, ऐसा नहीं करना है। मेष राशि, क्योंकि बाकी ग्रह भी आपके काम करते हैं, लेकिन हो सकता है मेष राशि वालों को इस बार बहुत सारा धन मिलने के योग बन रहे हैं। आपको स्कंद माता के रूप की, दुर्गा माँ के स्कंद माता रूप की आराधना करनी चाहिए। आप मेरे प्लेलिस्ट देख ले, नवरात्र 2017, उसमें आपको मिल जाएगा स्कंद माता की पूजा विधि। आप उस विधि से रोज दुर्गा माँ की स्थापना पूजन करें, आराधना करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ मैं वीडियो के एंड में अपलोड कर दूंगी, सभी लोग 9 दिन या तो उसको सुने या उसको जरूर पढ़ें। और दोस्तों, दुर्गा चालीसा का पाठ आपको नियमित रूप से करना चाहिए। मेष राशि वाले, अगर इस रूप से आप पूजा करते हैं, आपके पास समय अनुसार आप जरूर करें, तो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत समय आ सकता है। नेक्स्ट राशि होती है दोस्तों वृषभ राशि। इन लोगों को माँ गौरी के, आपके लिए भी अच्छा समय है, नॉर्मल समय है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है आपकी राशि पर। और आपको माता गौरी के रूप की पूजा करनी चाहिए, पार्वती रूप की पूजा करें, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये उपाय करने से आपको ज़रूर लाभ की प्राप्ति होती है। थर्ड राशि वाले हैं उनको मिथुन राशि वाले, उनके लिए भी नॉर्मल समय है। मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि राशि अनुसार क्या आपका राशिफल रहने वाला है, लेकिन ध्यान रखें नवरात्र में आपको देवी यंत्र की अगर आप स्थापना कर सकते हैं या घर में कलश स्थापना आप कर सकते हैं, तो ये आपके लिए लाभदायक हो सकता है। और आपको माँ ब्रह्मचारिणी के रूप की उपासना करनी है। सेम बात, माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना विधि मैंने दूसरे वीडियो में दी हुई है, नवरात्र 2017 में, नवरात्र 2018 में ऐड कर दूंगी। आप उसमें से उपासना विधि और पूजा विधि देख करके उसी रूप से उनकी स्थापना कर सकते हैं। चौथी राशि है दोस्तों कर्क राशि वाले। कर्क राशि के बहुत ही खूबसूरत है, जो पांच राशियां इस बार लकी होने वाली है, जिनकी किस्मत चमकने वाली है, उसमें से सेकंड राशि है कर्क राशि वाली। कर्क राशि के जो लोग नौकरी भी करेंगे उनको प्रमोशन मिलने की भी संभावना हो जाती है। इतना स्ट्रॉन्ग अच्छा समय आ रहा है, आपको बस सिर्फ थोड़ा सा ध्यान अपनी सेहत का रखना है। मित्रों की वजह से आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा, अगर आप अच्छी संगति में हैं तो आपको आपके दोस्त ही प्रॉफिट कराने वाले हैं। आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर, चाहे वो आपकी लवर हो, चाहे आपकी जीवन साथी हो, आप पति पत्नी हो, जो भी हैं आपके, जो भी लाइफ पार्टनर है, उनका सहयोग आपको पूरा बहुत अच्छा मिलने वाला है। इस सहयोग का फायदा उठाएं और जीवन में आगे बढ़ें। आपके जितने भी काम अभी तक बिगड़े हुए थे, परेशान थे आप, वो सभी आपके इस बार ठीक होने वाले हैं। आपको माता शैलपुत्री के रूप की आराधना करनी चाहिए। पूजा विधि में दूसरे वीडियो में आपको 2018 प्लेलिस्ट आप चेक कर लें, मैं लिंक दे दूंगी। और दोस्तों, आप माता शैलपुत्री की आराधना अगर सच्चे दिल से इन 8 दिनों में करते हैं और लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो आपको कोई भी मालामाल होने से नहीं रोक सकता है। बहुत ही खूबसूरत समय है आपके लिए। नेक्स्ट है दोस्तों सिंह राशि वाले। सिंह राशि वालों के लिए ये आने वाले दिन बहुत ही अच्छे हैं। बहुत दिनों से आप कष्ट पा रहे थे, आपके लिए ज़बरदस्त समय लेके आ रहा है। नौकरी, जॉब, व्यवसाय, सभी चीज़ों में आपको उन्नति मिलने वाली है। आप महसूस करेंगे कि दोस्त और रिश्तेदार आपकी ज़रूरतों को नहीं समझते, उनको जाने दें, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ खुश रहें, व्यवसाय में बढ़ोतरी करें, अपने जीवन पर ध्यान दें, लोगों की बातें सुनना कम कर दें, भी आपको जबरदस्त धन लाभ के योग बन रहे हैं।
सिंह राशि वालों को माँ कुष्मांडा की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होगी और आपको माँ दुर्गा के मंत्रों का जो आपका दिल करे, जितनी बार दिल करे उतनी बार आप जप करें और फिर आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में आपको माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत समय है सिंह राशि वाले। नेक्स्ट राशि है कन्या राशि वाले। कन्या राशि के लोग धर्म स्थल की अगर यात्रा करते हैं तो आपकी राशि के लोगों के मन में अध्यात्म के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। आप अगर मंदिर मंदिर जाएं, इन 9 दिनों में आप अगर घर पे स्थापना करते हैं, माता रानी को मानते हैं, तो घर पे स्थापना करें, अपने घर के मंदिर में माँ की पूजा करें, एक दीप जलाएं पूरब दिशा की ओर माँ का नाम लेकर के और सच्चे दिल से हाथ जोड़कर माता की प्रार्थना करें। माता आपकी सभी बातें सुनेंगी और सभी ज़रूरी कामों में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपके लिए और कोई खास उपाय नहीं करना है। अगर हो सके तो दुर्गा माँ के मंदिर आपके कहीं आसपास हो तो वहां आपको जरूर जाना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों तुला राशि वाले। कन्या राशि वालों को स्पेशली कन्या राशि वालों को माँ ब्रह्मचारिणी के रूप की उपासना करनी चाहिए और अगर हो सके तो श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, अगर आपको धन की चाहत है तो इस प्रकार के यंत्र अगर आप इस नवरात्र में स्थापित करते हैं तो और माता लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो आपके लिए मालामाल करने वाला उपाय है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले आपके लिए भी समय नॉर्मल है, बहुत ठीक ठाक है। आपको महागौरी माता की पूजा से लाभ होगा, इसके साथ ही आपके लिए काली चालीसा बहुत बहुत लाभदायक हो सकती है। अगर आप काली माँ की आराधना करते हैं 9 दिनों में तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं तो पूर्ण होती है, प्लस आपके जीवन में जो कष्ट हैं, जो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी भी प्रकार का कष्ट हो वो सभी आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं हम वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों को स्कंद माता के रूप की पूजा करनी चाहिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको नियमित रूप से इन 8 दिनों में 9 पाठ करने हैं। ध्यान रखें 9th डे जो है आपका 8वां दिन रहेगा, उसमें 2 पाठ, अगर पूरे 9 दिन के पाठ आप करने का नियम लेते हैं तो आपको 9 पाठ पूरे करने चाहिए, नहीं तो आप 8 दिन भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। बाकी इस राशि वाले लोगों को स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए, ये आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक होता है। नेक्स्ट है दोस्तों धनु राशि वाले। धनु राशि वालों को माँ चंद्र घंटा की आराधना से जबरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी। उसी विधि से पूजा करें, रोज उसी का भोग लगाएं और माता के मंत्रों का जप करें। चंद्र घंटा माता के मंत्र का जप करें, ये आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की, यानी कि मेरी राशि स्पेशली। दोस्तों माँ काल रात्रि की अगर आप उपासना करते हैं, माँ दुर्गा की काली रूप की उपासना करते हैं तो आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक होने वाला है। आपके जीवन में जो भी क्लेश हैं, बाधाएं हैं, वो सभी आपके जीवन से मिट जाने वाली है। बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति आपको होने वाली है। नवार्ण मंत्र यानी ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आप जप करें और आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। किसी भी प्रकार की परेशानियां आपको छू नहीं सकेंगी। दोस्तों पांचवी राशि जो जबरदस्त कमाल जिनके लिए इन नवरात्रों में आ रहा है वो है कुंभ राशि वाले। कुंभ राशि वाले आप अभी तक जितना अगर आपने सच्चे दिल से मेहनत की होगी, अगर आप सिर्फ उपाय ढूंढने में रह गए तो कुछ नहीं मिलने वाला है, मगर आपने अगर इस पूरे टाइम पे बहुत सारी मेहनत की है तो आपका टाइम आ गया है जब आपको मेहनत का फल मिलने वाला है। हर काम में की गई मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलता है दोस्तों, इसलिए बार बार कहती हूँ सिर्फ उपाय टोटको, चमत्कारी टोटके और इनमें ना पड़े रहा करें। हमेशा सबसे पहले आपको मेहनत करनी चाहिए, अपने घर को, अपने आसपास के सराउंडिंग्स को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए और प्लस उसके बाद अपने आसपास के लोगों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अपने कर्म अपने समय अनुसार करने चाहिए। इसके बाद कोई भी मंत्र और पूजा आपका साथ देते हैं, वरना कोई चमत्कार नहीं होता दोस्तों। इसलिए ये ध्यान रखें हमेशा मंत्र जप, और अगर आपने मेहनत की है तो उसका फल पाने का आपका समय आ गया है। इस नवरात्र में आपको इस विशेष रूप से संपत्ति लाभ के योग दिख रहे हैं, तो अगर आपने कहीं पे संपत्ति का कुछ ट्रांजैक्शन चल रहा है या कुछ हो रहा है तो हो सकता है आपके काम बनने वाले हैं। आप माँ काल रात्रि की पूजा करें, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, माँ के काली रूप की पूजा करें और आपके जीवन में सुख समृद्धि ऐसी आएगी कि आपको अगले कई सालों तक मुड़कर देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है देवी कवच का आप पाठ करें। देवी कवच का अगर आप पाठ करते हैं
तो आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, मीन राशि वालों के लिए बता देती हूँ, माँ चंद्र घंटा के रूप की उपासना करें। इस बार स्पेशली माँ चंद्र घंटा के रूप की उपासना आपके लिए लाभदायक होने वाली है। बगला मुखी के मंत्र का उच्चारण करें, तांत्रिक मंत्र होते हैं दोस्तों, आपको सभी चीजें ये जितने देवी देवता की पूजा की विधि और नियम है, इनके भोग की विधि बहुत छोटी छोटी होती है, 10-15 मिनट आपको लगेंगे, आप टाइम निकाल करके शुद्ध थाई से अगर करें तो ये आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे तो सभी राशि वालों के लिए बहुत ही खूबसूरत संयोग है, लेकिन 21 साल बाद जो ये संयोग बन रहे हैं, महासंयोग जिसको हम कहते हैं दोस्तों, इस महासंयोग में महानवरात्र में इस बार 5 राशि वालों की इस किस्मत विशेष रूप से चमकने वाली है। कौन कौन सी है? मेष, कर्क, सिंह, कन्या और कुंभ। सभी लोग इसका फायदा जरूर उठाएं और दोस्तों अपने मम्मी पापा फ्रेंड्स फैमिली भाई बहन बच्चे सभी लोगों से इन वीडियोज को जरूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक के, जय माता दी। नारी शक्ति दिवस है दोस्तों, तो नारी शक्ति को भी मनाते हैं। चलिए अपने अपने काम पे लगते हैं आज के दिन, अपने अपने शक्ति प्रदर्शन, किसी को मार पीट करके नहीं, पर अपने जो आपने कर्म किए हैं उसका एहसास कराना लोगों को बहुत जरूरी है। आप सभी लोग जो पुरुष है मेरी बात सुन रहे हैं, वो सभी आज कम से कम अपनी अपनी नारियों को, अपने अपने जो भी आपकी जीवन में नारियां मैटर करती उनको एक गुलाब का फूल जरूर प्रेजेंट करें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। और हाँ दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हो तो मुझे वीडियो के नीचे लिख के जरूर पूछ लें। ठीक है, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।